अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हो रहा है। और आज नाश्ते में हम लेने वाले हैं चाय, साथ केक रस। सुबह जल्दी उठ गई थी, ताज़ा तो बाबा के साथ जाके लेकर आई थी अपने, तो इसलिए मैंने सोचा है ख़ुद भी मैं यही खा लेती हूँ और ताज को भी आज यही ट्राई करवाती हूँ, क्योंकि जब से लाइए तब से पैकेट खोल खोल कर बैठी हुई कि मैंने खाना है। तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट डन और फिर करते हैं जी घर के काम। जल्दी फिनिश करो फिर और लाके दूंगी। हाँ जी, तो ये था रिताज का नाश्ता करने का स्टाइल। जल्दी से नाश्ता फिनिश करवा दिया है और अब करने लगी हूँ मैं किचन में काम। और किचन में काम आज सबसे पहले मैंने निकाला हुआ है जी ओवन, नहीं जो माइक्रोवेव है, उसकी क्लीनिंग। तो कुछ खास नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ सिंपल सा जो है पहले गीला किया है स्पंज को, प्लेट बाहर निकाल लेंगे, स्पंज गीला करेंगे और उस गीले स्पंज के साथ पूरे जो माइक्रोवेव साहब हैं इनकी अच्छे से करेंगे धुलाई। यानी गीला गीला हो जाएगा तो जो भी गंदा है वो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसको उतारना आसान हो जाएगा। पहले सिर्फ ऐसे ही सादा स्पंज मार लेंगे, फिर उसके बाद हल्का हल्का सा इसमें भी लगा हुआ है लिक्विड, और जो डिशवॉशर लिक्विड होता है उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के इसे मैंने कर लेना है साफ़। और फिर एट द एंड सूखा कपड़ा लगा देंगे इस पर और जल्दी से हो जाएगा जी साफ़। तो जल्दी जल्दी इसे भी निपटा लेते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। हाँ जी, तो तकरीबन आधे घंटे की अच्छी खासी मेहनत के बाद ये हो चुका है साफ़। तो चीज़ें साइड पर करते हैं, इसकी बेल्ट लगाते हैं और प्लेट मैंने ऑलरेडी वॉश करके रख ली थी। मुझे सबसे ज़्यादा ना इस प्लेट को इसके ऊपर फिट करना बहुत मुश्किल लगता है, एक तो इतनी हैवी होती है और फिर इसे परफेक्ट रखना होता है कि भाई हिल ना जाए कोई, फिर चीज़ रखो तो यूज़ करो तो फिर लगता है जैसे गिर के टूट जाएगी। तो जी फाइनली ये भी फिट हो चुकी है और सारी क्लीनिंग हो चुकी है। इसे मैंने ड्राई करना है, मतलब कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे वहम है कि कहीं पानी शानी ना गया हो। तो मैंने क्या करना है कि जी इसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दूँगी। तो ये है इसकी साफ़ सुथरी लुक और ये इतना साफ़ हो चुका है, आसपास की चीज़ों को अवॉइड कर दें, इतना साफ़ हो गया कि बाहर सामने वाला जो है ना सब कुछ नज़र आ रहा है। वैसे भी ये ऐसा ही है फ्रंट से। तो जी बस जल्दी से करते हैं इसे फिनिश और अब चलते हैं रिताज को बात दिलवाने, जो कि और भी इम्पोर्टेंट काम है। तो बाकी क्लीनिंग भी कर लेंगे, पहले किचन सारा मैंने क्लीन कर लिया था, सारे शेल्फ वगैरह फ्लोर सब क्लीन हो चुका था। तो मैंने निकाले हैं रिताज के लिए कपड़े। आज वैसे भी यानी 5 नवंबर, यानी देखेंगे तो अब नेक्स्ट डे ब्लॉग, बट हमें एक साल हो चुका है पाकिस्तान से आए हुए और ये ड्रेस पाकिस्तान से ही स्टिच करवाया हुआ है, इसकी दादू ने सीकर दिया था इसे, तो ये लास्ट ही मेरे पास अभी बचा था क्योंकि लास्ट ईयर से बड़ा था। तो मैंने सोचा अब निकाल के पहनाते हैं इसे, तो माशाल्लाह से बिल्कुल फिट आया इसे। तो जी जल्दी से इसे नहला धुला लेने के बाद मैंने कपड़े वॉश किए थे एक दो दिन पहले, उन्हें मैंने जल्दी से उतार लिया है। फिर तय करेंगे जब टाइम मिलेगा, साथ साथ ऐसे ही चलता है घर के कामों में, आप चीज़ें निकाल निकाल के रखते रहते हैं और ज़ाहिर बहुत कुछ होता है करने के लिए, तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। इधर मैंने सारे किचन टॉवल्स वॉश किए थे, उन्हें निकाल लिया, उन्हें करेंगे अब हैंग ताकि ये भी ड्राई हो जाएं, तो ये काम भी हो जाएगा डन साथ ही साथ। अब बारी आती है जी खाना बनाने की, खाने में बनेगी चिकन मलाई हंडी। तो जी चिकन निकाल लिया है, इसके टोटे टोटे करेंगे, अभी अच्छे से पीसेस कर लूँगी, बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के, और जो कि मैंने कर लिए हैं। साथ ही साथ शाही टुकड़े बन रहे हैं तो उनके लिए दूध बॉयल करके रखा हुआ है और बस कढ़ाने के लिए रखा है उसको साथ साथ। तो जो चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ अभी। तो चलें जी अब देखते हैं। दूध मैंने यहाँ पर लिया था 1 लीटर, ठीक है, उसे मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल के, इलायची अगर डालनी तो डाल, लेकिन मैंने यहाँ पर डालना भूल गई थी, मैंने नहीं डाली है, तो ज़ाफ़रान से खैर अच्छा फ्लेवर आ गया था।
उसके साथ जो है मैंने दूध को एक बॉईल ले लिया, उसके बाद 10 मिनट्स तक पकता रहा ये और साथ शामी भी बन रहा भाई। और जी उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ कंडेंस मिल्क। मैंने जो लबी शीरी बनाया था उसी का लेफ़्ट ओवर कंडेंस मिल्क था, तो मैंने कहा इससे पहले वेस्ट हो क्योंकि और किसी चीज़ में तो यूज़ होता नहीं है, तो मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया कंडेंस मिल्क और टेस्ट कर लूँगी एट द एंड, अगर ज़रूरत हुई चीनी की तो ऐड कर लेंगे, नहीं तो इसका मीठा भी इनफ होता है। और कंडेंस मिल्क ऐड करके मिक्स कर लिया, उसके बाद इसमें ऐड की है जी मैंने क्रीम। मैंने 125 ml का पूरा पैकेट इसमें ऐड किया है और इससे इसकी जो रबड़ी है यानी जिसका मिल्क जो पूरा रेडी हुआ वो बहुत मज़े का बना था, बहुत क्रीमी टेक्सचर था उसका, बहुत मज़े का था ये। ठीक है, तो अभी यहाँ पर डाल लेंगे हम क्रीम सारी की सारी, और क्रीम को स्पून के साथ आपने नहीं मिक्स करना, आपने कोई भी बीटर जैसे विस्क जो होता है जैसे हम एग बीट करते हैं उसके थ्रू आपने इसे मिक्स करना है। इस तरह जो भी लम्स होंगे क्रीम के वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी। मैंने मीठा टेस्ट किया था थोड़ा सा मुझे कम लगा, बहुत ज़्यादा कम लगा, ऑल्दो हम खाते कम है तो मैंने चीनी ऐड कर दी थी। और यहाँ पर खाना भी तैयार हो चुका था मलाई हांडी, तो जी बस अब इसे रख देंगे हम स्मोक देने के लिए। मैंने कोयले के छोटे छोटे से पीसेस है उन्हें पहले गर्म कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद फॉइल पेपर की कटोरी बना ली है या फिर कुछ भी बेस ही बना लें, प्याज का छिलका आप रख सकते हैं, और वही जो खाने का ऑयल था वही इसके ऊपर हल्का सा ड्रॉप डाल दूँगी उसके और कवर कर दूँगी इसकी लिड। अब बड़ा ज़बरदस्त सा जो है इसके अंदर ये स्मोक हो जाएगा और कढ़ाई हो जाएगी जी मज़ेदार सी तैयार। रिताज को वैसे तो मैंने सुलाया हुआ था लेकिन बार बार बीच बीच में उठ रही थी, फिर सो रही थी, फिर उठ रही थी, तो इस चक्कर में जो ये बेचारे मासूम शाही टुकड़े वो हो गए थे लेट। लेकिन मैंने क्या करना था ना कि मैंने ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उन्हें डीप फ्राई नहीं करना, एक तो पहले आप मीठा खा रहे हैं और फिर ऑयल से भर के खा लेंगे, इसलिए मैंने क्या सजेशन निकाला है कि बस हल्का सा ग्रीस किया है पैन को और स्लाइसेस को जिस तरह हम नॉर्मली टोस्ट करते हैं उस तरह से नहीं कर लिया है, टोस्ट अच्छा सा कलर आ जाएगा, इनके थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और जब ये सारा टाइम अपने बैटर में डिप रहेंगे और ठंडे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल डीप फ्राइड वाली ब्रेड स्लाइसेस के साथ जो शाही टुकड़े बनते हैं सेम वैसा ही टेस्ट करेगा, यानी टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो हल्का सा हाथ जो है ना वो ऑयल से फिर खींच लेंगे हम। यहाँ पर सारे स्लाइसेस हो चुके हैं तैयार और सब के सब हैं भी क्रिस्पी, ये देखिए मैं आपको जैसे दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, यानी कि ये हद से ज़्यादा ना फील ही नहीं आ रहा है कि आपने इसको डीप ऑयल मतलब डीप फ्राई किया है ऑयल के अंदर या फिर इसे आपने जस्ट येलो फ्राई लाइक अ टोस्ट आपने से किया है। तो वैसे तो मैंने दो बाउल्स के अंदर सर्व कर लिया था लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना जब सेव ही करके रखना है तो एक डिस्पोजेबल बाउल लेकर ही बना लेती हूँ ताकि इसको इजीली जो है मैं सेव भी कर सकती हूँगी, ना इसकी शेप ख़राब होगी ना इसका टेक्सचर ख़राब होगा और जी ये बड़े मज़े से सेव भी रहेगा। तो ब्रेड के स्लाइसेस मैंने एडजस्ट किए हैं और जो बैटर रेडी किया था यानी जो इसका रबड़ी मिक्सचर है दूध का जो मिक्सचर बनाया था वो सारा इसके ऊपर अब हम डाल देंगे, और नट्स वगैरह भी आप चाहें तो दूध के अंदर ही डालकर पका सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हो। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं रिताज के साथ बिज़ी हो गई थी तो मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किए और इतना कुछ मेरे पास अवेलेबल भी नहीं था, मैंने जस्ट वॉलनट्स और कैशू नट्स ये ऐड किए हैं इसमें। तो पिस्ताशो डाल सकते हैं आप, आलमंड्स डाल सकते हैं, अगर आपको रेजन्स यानी कि किशमिश अच्छी लगती है वो ऐड करें, तो मतलब मीठे में तो आप जिस तरह की भी चीज़ें ऐड करके खाना चाहते हैं उस तरह की ऐड कर सकते हैं, आपको टेस्ट जो है वो उसका अच्छा ही लगेगा क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो हर हालत में अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पर अब हो रही है इसकी सजावट, डेकोरेशन होने लगी शाही टुकड़ों की और बस इनको अब रेडी कर देंगे, और ये रेडी हो ही चुके हैं तो इन्हें अब रखेंगे हम फ्रिज में कवर करके और जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर इन्हें खा लिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और जी मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, लेकिन एट द एंड आप मेरी रिताज ज़हरा की कॉल जो है वो ज़रूर सुनते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कटोगे कॉल? Hello.
लालू।